एक सवाल सरकार से। दोस्तों, पहले हम रोड टैक्स देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स भी देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने की टोल टैक्स अलग से। क्या मन में कभी सवाल नहीं उठता आपका, जब हमने रोड टैक्स दे दिया तब फिर टोल टैक्स क्यों देना है? या तो हम रोड टैक्स ना भरे तब समझ में आए, जब रोड टैक्स भरे तब टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स की पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए टोल टैक्स क्यों, और हर 20-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर अब गाड़ी से चले जाए तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स की खर्चे आते हैं। तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, ऐसे ही 64 टाइप्स टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकार को और बचा हुए सब राज्य सरकार को 35 राज्य में। फिर भी हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी क्यों है? 20 लाख करोड़ इतना बड़ी रकम है कि कैलकुलेटर में लिख नहीं सकते हम। तो मेरे सवाल सरकार से सिर्फ यही है कि यह पैसा जाते कहाँ है? अगर आपका भी सवाल यही है तो वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ, क्या आपको भी हिसाब चाहिए?